सौरभ अजय की एक रिक्वेस्टेड वीडियो कि आप इस बैग को रॉयल एनफील्ड मीटियोर पर लगा के दिखाइएगा। जीआर गोल्डन राइडर का सैडल बैग आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल दे रखा है जो कि बैग को उठाने के लिए है, और यहाँ से ऐसे करके इसको उठा सकते हैं इजिली। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say. Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing good. So, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था जब मैंने GR Golden Riders का saddle bag का review किया था कि मैं अपनी bike पे लगा के दिखाऊंगा, तो मैंने Apache पे लगा के दिखा दिया था। आज मैं आपको अपनी Royal Enfield Meteor 350 पे ये saddle bag लगा के दिखा रहा हूँ। इसे मैंने कुछ कपड़े अंदर रख दिए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये है GR गोल्डन राइडर का सैडल बैग, आप देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से है। सो इसका डिटेल रिव्यू मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे। सो हमको सिंपल करना क्या है, ये आप देख सकते हैं ये बैग है और ये इसका पैक पोर्शन है। सो मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेटियोर में अपने सैडल स्टे लगा रखा है, और अब मैं इसको आपको ऐसे करके रख के दिखाता हूँ। आप देखिए सिंपल ही कुछ करना नहीं है, ऐसे सिंपल रख देना है, और यहाँ पर इसका हैंडल दे रखा है, यहीं से आप उठा भी सकते हैं ऐसे करके, और यहीं से इसको रख भी सकते हैं। और साथ में इसमें कुछ बेल्ट्स दे रखी हैं जो कि मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें ना लॉक है ना कुछ है, बस खाली सिंपल बेल्ट है जो कि हम लोग सिंपली इस बैग से लेके दूसरे बैग में ऐसे करके टाइप कर सकते हैं। तो ये मैं इसको टाइप कर देता हूँ, और अभी आपको पास भी दिखाऊँगा कि कैसा है। सो आइए मैं आपको पहले इसको पास दिखाता हूँ कि और भी डिटेलिंग इसी बताता हूँ मैं। सो गाइज़ अभी आप देखिए ये है गोल्डन राइडर्स का मैंने सैडल बैग जो मंगाया था, इसकी डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में लगा के। तो आप देख सकते हैं ये सैडल बैग मैंने अपनी बाइक पे ऊपर लगा दिया है, और कुछ ये बेल्ट इसकी दे रखी है, जो तीन बेल्ट दे रखी थी जो डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सो ये बेल्ट जो है वो इस वाले बेल्ट से दोनों बैग में ये ऐसे करके अटैच हो जाएगी, जो कि हमें नॉट ऐसे करके कुछ तरीके से बांधना पड़ेगा, वो आपको मैं अभी बांध करके दिखाऊंगा। और एक बेल्ट हमें ये नीचे मिल रही है जो कि हम यहाँ पे साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं, जो कि साड़ी गार्ड में हम ऐसे करके इसको बांध देंगे। और एक बेल्ट हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इधर भी मिल रही है, तो गाइस ये वाली बेल्ट आप देख सकते हैं। सो ये मैं सैडल स्टे पे ऐसे करके इसको बांध दूंगा ताकि ये टाइट हो जाए अच्छे से। और एक बेल्ट हमें यहाँ मिल रही है, आप देख सकते हैं ये बेल्ट यह है जो हम यहाँ पे आप देखें यहाँ पे स्टेयर ये दे रखा है, इसमें हम ऐसे करके नॉट इसका ऐसे करके कुछ बांध देंगे ताकि ये आपका जो बैग है सैडल वो हिले ना, और इसीलिए बेल्ट दे रखी है। बट बेल्ट मुझे ये यूज़लेस लग रही है सारी, क्योंकि इसमें ना तो लॉक दे रखा है ताकि मैं लॉक लगा सकूँ एक दूसरे से, बस खाली हमको ऐसे नॉट करके बांधना पड़ेगा। और सेम चीज़ यही चीज़ दूसरे वाले बैग में भी है, देखिए ये दूसरा वाला बैग भी है, इसको भी हम लोग को यहाँ पे ऐसे करके बांधना पड़ेगा नॉट, जो कि मैंने आपको बताया एकदम यूज़लेस चीज़ है, इसमें लॉक नहीं दे रखा है, जो लॉक होता तो इसमें हम लोग को ऐसे करके नॉट नहीं बांधना पड़ता, और डुअल लॉक हमको करना पड़ेगा इसमें जुगाड़। तो आप देख सकते हैं ये है गोल्डन राइडर्स का बैग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल दे रखा है जो कि बैग को उठाने के लिए है, और यहाँ से ऐसे करके इसको उठा सकते हैं ईजिली। और ये देखिए ये पूरी बाइक है, आपको मैं दिखाऊँ अगर तो क्या लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से बाइक का लुक पूरा, और कुछ इस तरीके से लगा रखा है बैग मैंने, और मैंने तो सैडल स्टे लगा रखा है, तो आप विदाउट सैडल स्टे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी गैप है टायर और उसके बैग में। सो अगर सैडल स्टे लगा लेते ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सैडल स्टे आपका काफ़ी काम कर देता है, रायनेक्स ड्राई स्टैक बैग के लिए भी काम कर देता है, वैसे भी काम कर देता है सैडल स्टे, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, बट मैंने लगा रखा है, थोड़ी बाइक इससे बल्की लगती है। सो गाइस आप देख सकते हैं सैडल बैग लगाने के बाद बाइक का लुक ये आ रहा है, और कुछ इस तरीके से बाइक दिख रही है, और सारे जितनी बेल्ट थी मैंने कुछ इस तरीके से इसको बांध दिया है पीछे से, और आप देख सकते हैं यहाँ आगे करके ऐसे करके बांध रखा है मैंने, क्योंकि लॉक तो दे नहीं रखा है इसमें, तो हमें ऐसे ही करके बांधना पड़ेगा। और एक हमने बेल्ट यहाँ पर बांध रखी है इसकी, अभी मैंने ढीला रखा है क्योंकि मुझे निकालना ही है, आप इसको टाइट कर सकते हैं। और सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस वाले बैग की, तो इस वाले बैग में भी आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे मैंने इसको बांध रखी है। तो सारी बेल्ट आपको मैंने दिखा दी, मुझे तो यूज़लेस लग रही है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये बेल्ट। बट अगर ड्राई स्टैक की बात करी जाए, जो राइनॉक्स का बैग है उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसमें आपको लॉक दे रखे हैं, जो बहुत ईजी होता है उसको बांधने के लिए, टाइट अप करने के लिए। सो गाइस ये है सौरभ अजय की एक रिक्वेस्टेड वीडियो कि आप इस बैग को रॉयल एनफील्ड मीटियोर पर लगा के दिखाइएगा। सो आप भी, आपको भी कोई अगर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके रिक्वेस्ट में वो वीडियो बनाऊँगा। सो सौरभ अजय आप देख सकते हैं कि गाड़ी पे आपका बैग कैसा लग रहा है, और आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये बैग कैसा लगा है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 पे।
सो गाइस, इसमें एक दिक्कत मुझे लग रही है जो कि मैं डिसएडवांटेज ही बोलूँगा, या तो फिर उसको डिसएडवांटेज नहीं भी बोल सकते हैं कि आप लोग को पता नहीं वो चीज़ लगे ना लगे, बट मुझे लग रही है कि जो लोग बाइक राइड करते हैं और वो होटल पर रुकते ही हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जब जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि उन लोग को बैग को कैरी करके ले जाना पड़ता है होटल में, तो वो एक इंसान देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों बैग एक ही पे जॉइंट है, तो इसको हमें करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ से उठा के हमें ले जाना पड़ेगा। अगर बाय चांस ये बैग अगर थोड़ा हैवी होगा अगर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बैग को ले जाना पड़ेगा कैरी करके, जो कि मुझे लग रहा है कि सिंगल हैंड से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आप देख सकते हैं ये गाइस, यही थी एक छोटी सी वीडियो जो कि GR गोल्डन राइडर को मैंने रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 में इंस्टॉल करके आपको दिखा दिया है। सो मेरी बाइक में रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 में सैडल स्टे लगा हुआ है, अगर आपकी बाइक में नहीं लगा है तब भी इजिली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, कॉमेंट करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doused, not what I'm about, have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound.